इस्लामाबाद में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया हुआ है। तो हमने नादरा से रिक्वेस्ट की कि ये जो कार्ड से रिलेटेड लोग हैं उनकी हायरिंग आप करें और वो पैसे भी हम आपको दे दिया करेंगे और वो उनकी तनख्वाहें वखाएं जो भी आप करते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको ऐड कर दीजिए। तो पहले नादरा रिलेटेड था लेकिन बाद में उन्होंने इस पर एग्री हो गए, वो एक मुआहदा ड्राफ्ट हुआ, एक मेमोरेंडम हुआ साइन और वो हमारे सिंध गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट ने वेट किया, उसको ओके किया और आज हमने नादरा हेडक्वार्टर में आकर ऑफिशियली फॉर्मली वो नादरा के साथ साइन कर लिया। उन्होंने और उस पर थोड़ी वर्किंग की और वो जो नंबर 174 था वो रिड्यूस होकर 162 जो है इनिशियली वो नंबर बना है। तो अब नादरा एक आध दिन के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे और 162 नए लोग अपॉइंट करेंगे सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए जो ये मजदूर कार्ड का प्रोजेक्ट है सूबा सिंध के लिए। इसमें जो बात बुनियादी तौर पर बताना ज़रूरी है कि हम इस वक्त सोशल सिक्योरिटी में जो बहुत सारी सहूलियात वर्कर्स को दे रहे हैं उसमें बुनियादी काम जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास इस वक्त 5 जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स हैं सूबा सिंध में, हमारी 42 डिस्पेंसरीज हैं और 7 हमारे सर्कल्स हैं जहाँ पर ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इस वक्त जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनके पास एक मैनुअल कार्ड है, उस कार्ड को वो लेकर जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालदेन के लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई इस तरह का चेक नहीं है कि उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें और जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, जो वर्कर्स नहीं हैं और ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनको हम चेक कर सकें। इस कार्ड के ज़रिए ये चीज़ें सारी यकीनी हो जाएंगी और जहाँ जहाँ पर हम फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। ये कार्ड लेकर कोई भी जाएगा तो इस कार्ड को वहाँ वो स्वैप करेंगे और उसे पूरा डेटा उसकी फैमिली का आ जाएगा, उसके बाद फिर वो जो है उसको फैसिलिटीज़ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने जिस तरह बताया कि अभी हमने तकरीबन 1 अरब रुपये का मुआहदा किया दादरा के साथ, तो ये मैं बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि ये 1 अरब जो आपको हमें बहुत लगता है, बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर ये काम हम कर जाते हैं तो शायद 1 अरब से ज़्यादा पैसे हमारे सेव हो जाएंगे जो लीकेजेस की वजह से निकल जाते हैं सिस्टम से और गलत उसका इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसपेरेंसी बुनियादी तौर पर इसका जो है वो मेन आंसर है। और दूसरा, जो इस वक्त हमारे पास 6.25 लाख वर्कर्स हैं वो तादाद जो है वो एक्चुअल तादाद नहीं है, असल में ये तादाद बहुत ज़्यादा है और वो वर्कर्स कानूनी तौर पर जिनको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो इस वक्त इन फैसिलिटीज़ को लेने से महरूम हो जाते हैं। ये कार्ड इशू करने के बाद हमारा अंदाज़ा है कि पहले ये 6,25,000 का डेटा जो है वो इशू हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो लोग इंटाइटल्ड हैं जिनको ये नहीं मिल रहे फैसिलिटीज़ उनको ये कार्ड्स मिलेंगे और फिर एक और फैसला जो सिंध का डेटा जो है वो इशू हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो लोग इंटाइटल्ड हैं जिनको ये नहीं मिल रहे फैसिलिटीज़ उनको ये कार्ड्स मिलेंगे और फिर एक और फैसला जो सिंध हुकूमत ने किया है पार्टी लीडरशिप की जो विजन है उसकी रोशनी नहीं होंगे। हम ये बेनिफिट्स अपने सूबे में काम करने वाले हर मजदूर को देंगे जो चाहे खुद मजदूरी करता है, चाहे किसी के पास ड्राइवर है, कोई अपनी रेड़ी लगाता है, रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, हर वो मजदूर जो अपने आप को मजदूर समझता है वो ये मजदूर कार्ड लेने का इंटाइटल होगा और उसके बाद वो तमाम बेनिफिट्स जो हम किसी भी रजिस्टर्ड वर्कर को देते हैं ये बेनिफिट्स उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि ये काम 2-3 महीनों में होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत एक तवील एक प्रोसेस है जिससे हमने गुजरना है कि 6.25 लाख कार्ड अभी इशू करने हैं, फिर जो रजिस्टर्ड नहीं उनको इशू करने हैं, फिर वो नया एक फेज जो है जिनको नया इंक्लूड करेंगे हम लोगों को वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद मोहतरमा बेरेजी भुट्टो साहब से लेके, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके और अभी आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान थे तब भी हमने मजदूरों के लिए बहुत काम किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हमने सिंध हुकूमत ने ये मजदूर कार्ड का इजरा जो है वो शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम है और इंशाल्लाह ताला जब ये मुकम्मल होगा तो मेरा ये समझना है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके जो फवायद हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और हमारी कमिटमेंट है कि हम ये काम ज़रूर करेंगे। दूसरी मेरी जो मुलाकात थी आज वो हुई जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के और ह्यूमन रिसोर्सेज के जनाब साजिद तूरी साहब, उनसे मुलाकात हुई और उनसे मिलने का जो बुनियादी वजह है वो ये थी कि 18th अमेंडमेंट के बाद आपके इल्म में है कि जो लेबर का महकमा है वो डिवॉल्व हुआ है लेकिन बदकिस्मती से EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व सूबों को नहीं हो सके हैं।
अच्छा, सिंध हुकूमत ने इसमें भी लीड ली हुई है और हमने तमाम महकमे बना दिए हैं। हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड का महकमा है, कानून है। हमारे पास UBI का महकमा है, कानून है। हमने सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड का नया कानून बना दिया। हमने सोशल सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उसके अंदर तरामीम की हैं। अब जो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि ये जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी है, माइंस वर्कर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, EOBI है, इन तमाम महकमों को मर्ज करेंगे और एक अम्ब्रेला लॉ बनाएंगे और वो कानून जो है, वो इदारा जो है, ये तमाम सहूलतें जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड देता है, जो माइंस वर्कर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस देती है या सोशल सिक्योरिटी देती है, EOBI देती है, वो एक जगह हो जाएंगे और वो सारी की सारी चीज़ें हम देना शुरू कर देंगे। तो आज मिनिस्टर साहब से हमने ये गुजारिश की कि 18वीं तरमीम के बाद इन महकमों को डिवॉल्व हो जाना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है, पंजाब ने भी काफ़ी इदारे और कवानीन बना लिए हैं, कुछ KP ने बलूचिस्तान ने बनाए लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हैं। लिहाजा इन दोनों इदारों को आप डिवॉल्व करें ताकि सिंध हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मंसूबे हैं, जो प्लानिंग है वर्कर वेलफेयर के लिए, हम उसके ऊपर 100% अमल दरामद करा सकें। और मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि ये काम जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया है, जब इसके फवायद मजदूरों को मिलना शुरू होंगे तो किसी सूबाई हुकूमत के पास या विफाकी हुकूमत के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो इसको फॉलो ना करें। इसलिए कि ये इतना बड़ा काम है, जब मजदूरों को इसके फवायद मिलेंगे तो पंजाब का मजदूर, KP का मजदूर, बलूचिस्तान का मजदूर, इस्लामाबाद का मजदूर ये मुतालबा करेगा, ये डिमांड करेगा कि जो सिंध हुकूमत अपने मजदूरों के लिए सहूलतें दे रही है वो हमें भी दें। तो आज बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और माजी में जब फहमीदा मिर्जा साहबा के पास वजारत थी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन वाली IPC की, और जुल्फी बुखारी साहब के पास ये साजिद तूरी वाला महकमा था, तो उन्होंने इस मसले को हल करने की कोशिश तो क्या बल्कि उसको ख़राब किया। और मैंने एक बात रिकॉर्ड पर असम्बली में भी कही, CM साहब को समरी भेजी, फेडरल गवर्नमेंट को कन्वे किया और सिंध हुकूमत ने डिसीजन लिया था कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि CCI के अंदर गलत, बेबुनियाद, झूठे मिनट्स मीटिंग के बनाकर पेश किए गए और वहां यह कहा गया कि चूंकि सूबे तैयार नहीं है इसलिए इन इदारों को अभी डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि सूबा सिंध अभी से नहीं, पिछले कई बरसों से इदारे बना चुका है, कवानीन बना चुका है और हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि हम ये काम करें और हमारे रास्ते में रुकावट आ रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर रही थी। और हमने गुजारिश की है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैंने गुजारिश की है, आज फेडरल मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द CCI का इजलास बुलाया जाए। CCI को गुमराह करके जो गलत फैसला करवाया गया था कि फिलहाल इन महकमों को डिवॉल्व ना किया जाए जब तक सूबे तैयार नहीं हो जाते हैं, ये गलत बात थी। सूबे तैयार हैं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं मौजूद था, फहमीदा मिर्जा साहिबा ने मीटिंग चेयर की थी, पंजाब ने, सिंध ने, बलूचिस्तान ने, तीन सूबों ने सपोर्ट किया था कि ये महकमे डिवॉल्व होने चाहिए, KPK की कोई रिजर्वेशन थी और हम उसका भी हल निकालने को तैयार हैं, हम उनकी मदद करने को भी तैयार हैं, लेकिन आइन के तहत जो महकमे डिवॉल्व हो जाने चाहिए वो उनको हर सूरत में करने पड़ेंगे। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि जिद की बात है, देखें एक हुकूमत को आपने एक महकमा दिया, सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर अपना प्लान बनाया, वर्कर्स की हालत को बेहतर करने के लिए जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उनको इंक्रीज किया, अपने नेट को बढ़ाने के लिए काम किया, नादरा को इन्वॉल्व किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ गए। अब अगर हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है वो गैर आइनी इकदामात विफाकी हुकूमत के साबिका के, वो डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिटिगेशन हो रही हैं, अदालतों में केसेस हैं, अरबों रुपए सिंध हुकूमत के जो हैं वो अदालतों में पड़े हुए हैं। ये पैसा हमारे पास आएगा तो हम इन मजदूरों के बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, इनको सेहत की बेहतर सहूलतें देंगे, इनके जो दीगर बेनिफिट्स होते हैं वो हमको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि नादरा के साथ हमने वो फाइनल किया है और इंशाल्लाह ताला ये 6,25,000 के जो इनिशियल हमारा टारगेट है वो अगले कुछ महीनों में हम इसको मुकम्मल करेंगे। और इसके लिए नादरा ने ये भी कहा है कि वो मोबाइल वैन्स भी भेजेंगे, जिस फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन की तादाद हज़ारों में है उनको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फैक्ट्री में जाकर उनके कार्ड्स बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में इनकी मोबाइल जाएंगी वहाँ पर कार्ड्स बनाए जाएंगे और हफ्ते और इतवार को भी ये सहूलत जारी रहेगी ताकि अगर कोई मजदूर छुट्टी नहीं कर सकता, कोई मालिक उसको छुट्टी नहीं देता तो वो छुट्टी के दिन आकर भी अपना कार्ड जो है वो बनवा लें। तो ये बहुत बड़े इनकलाबी एक इकदाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का जिसको हमने आगे बढ़ाया है।
ये बुनियादी तौर पर जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोनों जो कुलीग हैं, मिनिस्टर्स हैं उनका, चौधरी मंजूर साहब का, हमारी सीसी के कमिश्नर बैठे हैं और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सोशल सिक्योरिटी की, उसके कुछ मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं और आज हमने ये एक बड़ा तारीखी काम जो है वो किया है। देखें, हेल्थ कार्ड एक अलग चीज है और वो पैसा सूबाई हुकूमतों ने देना है। हेल्थ कार्ड के अंदर एक लिमिट है कि जी 10 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली जो है वो खर्च कर सकती है। आज भी सूबाए सिंध में हर आदमी के लिए अनलिमिटेड हेल्थ की फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। खुदा न करे अगर किसी फैमिली में एक से ज्यादा लोगों को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिस पे 10 लाख से ज्यादा खर्च होते हैं, तो आपका हेल्थ कार्ड किसी काम का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तो हेल्थ कार्ड इतना इफेक्टिव होता तो पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से लोग आकर सिंध के अंदर मुफ्त इलाज नहीं करवाते। तो सिंध की हुकूमत आज भी हेल्थ कार्ड से बहुत आगे है। और ये जो कार्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सेहत की सहूलतें नहीं हैं, इसके अंदर मजदूर के बच्चों की तालीम है, इसके अंदर मजदूर के बच्चों की शादी होती है उस पर ग्रांट है, इसके अंदर अगर किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसको ग्रांट दी जाती है, इसके अंदर मजदूर का बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, इसके अंदर अगर कोई मजदूर काम करते हुए माजूरी का शिकार हो जाए उसके पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हेल्थ कार्ड वेल्थ कार्ड का इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके कलम का नहीं, कलम का मजदूर आपने बताया कि अभी नादरा के साथ आपका वायदा हुआ है, ये बहुत अच्छा काम है। वैसे तो क्या इसमें कोई, जैसे पहले आपने कहा है कि गलत कार्ड बन सकते थे इसलिए नादरा के साथ वायदा किया है, क्या ऐसे किसी गलत इकदाम को रोकने के लिए भी आपने कोई उसमें चेक एंड बैलेंस रखा है भाई, माजी की तरह उसमें कोई गलती ना हो ताकि मजदूर का हक ना मारा जाए? देखें, एक तो बात यह है कि एक पेपर है जो मैं या हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हाथ से बना के दस्तखत करके दे देता है, उसमें और नादरा के इस कार्ड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत चले इस बात की गुंजाइश अगर हम रख भी लें कि इसके अंदर कुछ लोग गलत कार्ड बनवा लेंगे लेकिन वो पकड़े जाएंगे। पहले जो है उसकी पकड़ नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें यह कि ये पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जो कार्ड बनवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो कार्ड बनाएगा उसको भी कार्रवाई उसके खिलाफ भी करेंगे, जो इदारे का शख्स होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मोर देन 90% इस बात के इम्कान हैं कि कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अमाउंट कम नहीं है, 1 अरब रुपए हम दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये 1 अरब रुपए से ज्यादा पैसे हम एक साल में बचा लेंगे, एक साल में। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी लीकेजेस हैं। और अभी तक जितने कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, तकरीबन 30% कार्ड उसके अंदर जाली निकलते हैं, कोई कम नंबर नहीं है ये, 30%। अगर इसी परसेंटेज से हम जाएं तो उसका मतलब ये है कि जो साल के अंदर बजट हम लगाते हैं इस काम पे, मजदूरों की फला पे, उसमें से 30% पैसे जो हैं वो गलत जा रहे हैं। तो अगर 30% हम बचाएंगे तो एक बहुत बड़ी सेविंग भी है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर। देखें, अभी तो जो बुनियादी इशू है ना हमारे साथ वो ये है कि ईओबीआई अभी तक बिल्कुल डिवॉल्व नहीं हुआ, ये 100% फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जो वर्कर वेलफेयर फंड है वो भी पार्शियली डिवॉल्व हुआ है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं दे रहे हैं वो कलेक्शन। एफबीआर का क्या ताल्लुक है कि वो जाकर वर्कर वेलफेयर फंड की कलेक्शन करें, वो कर रहे हैं। तो जब तक ये मुकम्मल तौर पर इशू रिजॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से आज मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, जब प्राइम मिनिस्टर कराची आए थे पहली मरतबा, तब उस मीटिंग में मैंने उनको याद दिलाया कि जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी और ये मुतालबा किया था, ये प्रेयर थी उनकी कि ईओबीआई और वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो डिवॉल्व किए जाएं सूबों को। ये शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस वक्त उन्होंने किया। तो मैंने उस मीटिंग में उनको याद कराया कि ये एक बहुत पेंडिंग इशू है, इसको हल कीजिए। अच्छी बात है कि उस मीटिंग के फौरन बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लेबर डिपार्टमेंट को खत आया उसी मीटिंग के फॉलोअप में, और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मांगी जो हमने भेज दी हैं। आज फॉलोअप में आज हमने मीटिंग की है फेडरल मिनिस्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो अप्रोच है, जो जो ख्यालात हैं प्राइम मिनिस्टर के या फेडरल गवर्नमेंट के, ये जो इशू है ये उम्मीद है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो जो अम्ब्रेला लॉ की जो हम बात कर रहे हैं उसको बना भी लें तो इम्प्लीमेंट उस पर हम नहीं कर सकेंगे। तो ये पहले होगा उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों कार्डों में फर्क क्या है? देखें, एक तो जो हमारा कानून है ना उसमें मजदूर की डेफिनेशन मौजूद है पहले से, ठीक है जी। दूसरा,
जो हम एक नया काम जो करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वो मजदूर जो खुद अपनी नौकरी करता है, मजदूरी करता है, किसी के घर में मुलाजमत करता है, कोई और काम करता है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है।